हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी 35 ब्लॉग में। सो गाइस, आज हम लोग चलने वाले हैं कानपुर से उज्जैन महाकालेश्वर। तो गाइस, उज्जैन चलने के लिए हम लोगों को सबसे पहले चलना पड़ेगा कानपुर सेंट्रल। तो गाइस चलो चलते हैं आप, और टाइम देखो अब बज रहा है, टाइम बजने वाला है 11। तो गाइस हम लोगों को कानपुर सेंट्रल पहुँचने में लग जाएगा लगभग आधा घंटा लगेगा। चलो देखते हैं वहाँ पहुँच। तो गाइस आ चुके हैं हम लोग कानपुर के कानपुर सेंटर, और कानपुर सेंटर में चल रहा है बहुत तेजी से मेट्रो का काम। देखो तो गाइस अब खाली ट्रेन का ही इंतजार करना है कि वो कितनी देर में आती है। चलो देखते हैं, अभी तो टाइम हो रहा है 11:30 बज चुका है टाइम, और ट्रेन आने वाली है हम लोगों की 12:30 बजे। भी एक घंटा बैठ के हम लोग इंतजार करना पड़ेगा। चलते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आने वाली है। आज हम लोग ट्रेन और हम लोग जा रहे हैं बैठे। देखो कितनी भगदड़ मच रही है अपनी अपनी सीट के लिए। आ चुके हम लोग अपने रूम पे, और रूम के बाद फिर आपको दिखाते नजारा। गाइस देखा आप लोगों ने नज़ारा कैसा लगा आपको? अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो थोड़ा सा भी, तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलो देखते हैं और आगे, फिर नहाते धोते हैं। अभी जाने वाले हैं हम लोग इसी नदी में नहाने, अभी इसी नदी में हम लोग नहाने जा रहे हैं। उसके बाद नहा के फिर आपसे मिलते हैं बाबा के रंग में। चलो तो गाइस आ चुके हैं हम लोग रामघाट पे, और रामघाट पे आने के बाद हम लोग जा रहे हैं छिपरा नदी में नहाने। उसके बाद फिर जाएंगे महाकालेश्वर के दर्शन करने। तो आप लोग छिपरा नदी देखो, तो हम लोग नहाते, उसके नहाने बाद फिर मिलते हैं आपसे। गाइस हम लोग नहा चुके हैं, और हम लोग जाने वाले हैं महादेव के मंदिर। गाइस चलो चलते हैं, और आपको रास्ते का नज़ारा दिखाते हुए ले चलते हैं। चलो महाकाल का मेन एंट्री गेट। Thank you.
देखते हैं कहाँ जाने वाले हैं। यहाँ भी जाएंगे आपको पूरा जाएंगे। फाइनली महादेव के दर्शन हो गए हैं और हम लोग जाने वाले हैं जो यहाँ पे बगल में पार्क बना है वहाँ पे। चलो चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा है बना। ये जो पीछे मंदिर है जो यही है महादेव का घर। ये सामने है पार्क, ये देखो। अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो मैं महाकाल कॉरिडोर को पूरा दिखाने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
तो गाइस महाकाल के दर्शन हो चुके हैं और हम लोग चलने वाले हैं काल भैरव मंदिर। तो गाइस चलते चलते और आपको दिखाते हैं।